हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। अभी सुबह के जो है 10:30 बज चुके हैं, शॉप पे जाने की तैयारी। और सोनू दीदी क्या कर रहे हैं? पीछे झाड़ू लगा रहे हैं। नाश्ता वास्ता आपका हो गया है कंप्लीट? सबका कंप्लीट हो गया है। ओके, चलिए। और बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। पप्पा जो है सुबह सुबह वापस से मोबाइल में लग गए। पप्पा क्या मोबाइल में लग गए हो सुबह सुबह? रिपोर्ट्स देखने होते हैं सुबह को मॉर्निंग। बस 3 दिन बाकी है मार्च में 3 दिन बाकी। और हमारे चीकू भाई भी यहाँ पे देखिए सो गए हैं, मस्त खाना वाना खा के यहीं पे सो गए हैं। और सोनू दीदी, परवेज भाई कहाँ पे? हमें लेट हो रहा है शॉप पे जाने के लिए। अंदर ही है। चलिए देखते हैं परवेज भाई क्या कर रहे हैं। हाँ ये देखिए पे चलो सब्जी लाने के लिए। तो चलिए मैं अभी तो जा रहा हूँ शॉप पे, लेकिन वापस थोड़ा बकाला देने आएंगे। क्या बनाना है आप डिसाइड कर लीजिए खाने में, फिर ओके फिर बताना कि क्या बनाना है। तो चलिए आज लेट हो गया है। 10:30 बज गए। ओके चलिए बाय। सभी आया हूँ घर पे और चलिए देखते हैं कि आज खाने में क्या बन रहा है। तो चलिए फटाफट से आपको दिखाता हूँ आज खाने में क्या बन रहा है। तो सोनू दीदी आज खाने में क्या बना रहे हैं हमारे? गोभी। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है पत्ता गोभी। सोनू दीदी दूसरा कुछ? लेकिन श्रीखंड में क्या है कि डेली श्रीखंड खाएगा तो फिर जो है तबीयत खराब हो जाएगी। कल रात को जो है मैंने गोला खाया था आइस डी, तो डेली तो नहीं खा सकते। तो सोनू दीदी कुछ सब्जी का कुछ करना पड़ेगा आपको। अभी कल दो बनाई थी टिंडा और चना, तो दोनों में से थोड़ी थोड़ी बची। लेकिन ये तो यार मेरी अनफेवरेट है, बिल्कुल ही अनफेवरेट है, पसंद है। तो सोनू दीदी दूसरा बना, ये रख देती। इसका एक काम करिए, इसका वो संभारा कर दीजिए। दूसरी सब्जी का भी क्या, कोई बात नहीं, चलिए बनाइए कुछ करते हैं, कुछ खा लेंगे। नहीं अभी कुछ बना दो, आलू बैंगन की सब्जी बना दो, क्योंकि यार गोभी की सब्जी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। गोभी जो है वो सिर्फ साथ में खाने में अच्छी लगती है, उसका साग सोनू दीदी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे। मैंने परवेज को बोला था तो बोले साहिल भाई को भी चल जाएंगे। नहीं उन्होंने मुझे परवेज भाई ने पूछा भी नहीं है, वो डायरेक्ट जो है उसने बता दिया आपको कि हाँ वो खा लेगा ऐसा। हाँ तो अभी क्या पड़ा है, अभी सब्जी में क्या पड़ा है? बैंगन है और कुछ नहीं है। तो आलू बैंगन की सब्जी जो है वो मेरे लिए आप सोनू दीदी बना दीजिए, वो चलेगी मुझे। ये गोभी का जो है इसका संभारा कर दीजिए थोड़ा, और आलू बैंगन की जो है सब्जी बना दीजिए, क्योंकि इसमें जो है मैं रख देती हूं, इसमें से आलू निकाल देती हूं। आलू निकाल लीजिए अच्छा, और बैंगन आ गए, वरना मैं ये बना डालती थी। आज तो दोपहर को जो वरना भूखे रहना पड़ता मेरे को, बाकी कुछ मैं ये तो नहीं खाता, क्योंकि गोभी की सब्जी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। बोल देते खाएंगे, फिर थोड़ा एक रोटी भी खाते भी और सब्जी। फिर वो बाजू में वो अंडा कली वाला है ना, उसके पास से जो है अंडा कली खा लेंगे और कुछ खाएंगे नहीं। जो बनाना है वो बना डालो, बाकी कुछ खाता नहीं है वो। फिर शाम को भी वही, इसलिए तो 3-4 दिन से शाम को हम बाहर खाई कल भी बिरयानी खाई थी, कल दिखाया तो नहीं, पर कल जो है बिरयानी बहुत मस्त बिरयानी थी, वो नहीं ब्लॉग में नहीं दिखाया ना, तो अच्छी थी। हाँ बहुत अच्छी बिरयानी थी। और जो है भजिया सोनू दीदी आपने बनाया था, वो भी जो है काफी हद तक बहुत ही बढ़िया था, मजा आ गया मुझे तो। मेरा तो क्या फेवरेट है कांदा भजिया, आपको तो नहीं? गोभी का मंचूरियन बनता है ना, गोभी का मंचूरियन भी बनता है ना, इसमें गोभी और क्या डालते हैं मंचूरियन में? नहीं वो पहले तो जो तलते हैं ना उसको, उसमें तो यही डालते हैं ना कुछ, गोभी के साथ। हाँ कॉर्नफ्लोर मसाले, और इसको जो है तल कर फिर बनाता। उस दिन सुजान ने बनाया था ना मंचूरियन, वो भी अच्छा बनाता था। आज देखते हैं कुछ ऐसा कुछ प्रोग्राम जो है अच्छा कुछ, हाँ जेद को जो है मंचूरियन पसंद है, तो ऐसा कुछ प्रोग्राम करते हैं। और अभी जो है फिलहाल हमारे जो है आलू निकल रहे हैं और इसको हम थोड़ी रख देंगे, आलू निकल रहे हैं साइड में। गोभी का थोड़ा संभारा कर दीजिए, संभारा तो खा जाते, पप्पा को बहुत पसंद है गोभी का। हाँ मुझे भी बहुत पसंद है गोभी का संभारा पसंद है, लेकिन सब्जी बिल्कुल नहीं पसंद है। तो जेद के लिए बना दीजिए, गोभी की सब्जी
बनाओ, मुझे बहुत पसंद। तो जेद के लिए बना दीजिए ना, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। ऐसा कुछ करूंगी वरना वो तो नहीं खाएगा। नहीं आलू खाता ही नहीं है, सब्जी कुछ नॉन वेज बनाती नहीं है। नहीं आलू तो खाता है ना वो, आलू खाता है ये वो नहीं खाता है। बैंगन नहीं पसंद है उसको, जो है सुजान की तरह बैंगन नहीं पसंद। सुजान का भी ऐसा है, सुजान को सब्जी नहीं पसंद है, सुजान को जो है सिर्फ नॉनवेज खाना है। हाँ उसका भी ऐसा ही है। सुजान तो जो है अभी अपने मामा के घर गई है, सुजान का फोन आया। ओ हाँ अभी थोड़ी देर पहले सुजान का कॉल आया था कि अपने मामा के घर पे जो पहुँच गई है, तो अभी तो वहाँ पे भी वो आराम ही करेगी। ओह कल सुजान का मुझे कॉल आया, तो वो बोल रही थी कि आप ब्लॉग में बोल रहे हो कि मैं आराम कर रही हो करो, तो मैंने वो सही तो बोला कि आराम ही तो कर रही हो। कि सोनू दीदी गलत बोला मैंने कुछ? मम्मी के घर तो आराम ही करेगी। हाँ वो बोल रही कि तुम ब्लॉग में बोल रहे हो आपकी, तो मैंने बोला कि वो आराम आराम करने गई हो तो आराम करने ही बोलेगी ना, अभी उसमें दूसरा क्या हम बोलेंगे। तो मैंने मतलब कुछ गलत बोला? तो आप सुजान को डांटिए, डांटना मत साहिल भाई को, सही बोल रहे हैं। आराम कर रही हो, वहाँ कुछ काम नहीं, कुछ काम नहीं कर रही हो, आराम ही कर रही हो। थोड़ी मोटी होकर आओगी मुझे लगता है, लग तो रही हो फोन में भी। फोन में थोड़ी सुजान थोड़ी मोटी तो लग रही है फोन में, अभी देखते हैं यहाँ पे आएगी तो उसको सोनू दीदी देखते हैं लाइव। अभी तो उसको भी अभी 15-20 दिन चले जाएंगे ना, अभी आज का आज 16वां रोजा है ना, अभी हाँ तो अभी 15 दिन और रुकना पड़ेगा। 13 दिन तो अभी रमजान का है। हाँ तो 15 दिन हो गए ना। तो चलिए फ्रेंड्स सब्जी जो है हमने चेंज करवा दी है और अब चलते हैं सूप पे, क्योंकि परवेज भाई को भी थोड़ा काम है। तो चलिए मिलते हैं आपसे दोपहर को। जेतु भी जो है बाल मंदिर से आ गया। जेतु भाई क्या कह कर आए हो बाल मंदिर से? सीखने की नाटक की है। नाटक करके आए हो है? मारू एक ऐसा नहीं करने का। तो, मुझे क्या करना? क्या करना क्या, यहाँ पे खड़े रहो पहले। झूठ बोल के क्यों आए? आपको कुछ लेना है तो मम्मी को बता दूंगा। हाँ तो तुम्हारा फेवरेट बन रहा है गोभी का साथ, खाना है ना? हाँ। कि नहीं खाना है? खाना है। चीची को बोलो मैं झूठ बोल के आया हूँ बाल मंदिर से। झूठ बोल के आया हूँ? क्या बोल के आए हो? ची लगी है। गांडा चलो। दोपहर हो गई और शॉप से आ चुके हैं घर पे खाना खाने, और सब लोग खाना खाने बैठ गए हैं। और ये परवेज भाई ने स्टार्ट कर दिया। परवेज भाई कितना खाते हो यार? बहुत खाते हो यार। ये देखिए परवेज भाई अपने लिए श्रीखंड भी ले आए हैं। कैसा ड्राई सोनू दीदी क्या हुआ फिर सब्जी वो कैंसिल कर दी? चलिए ये हमारी बैंगन और आलू की सब्जी है, यहाँ पे श्रीखंड आ गया और ये संभारा और पप्पा कुछ दिखा रहे हैं, ये थोड़ी गोभी की सब्जी। खाने में क्या पप्पा को ज्यादा दिक्कत होती है? कोई ये सब्जी नहीं खाते, ये सब्जी नहीं खाते। हमारा क्या तो क्या, हम तो कुछ भी खा रहे थे। क्या पापा सही बोल रहे हैं? नखरे रहते हैं पापा। क्या सब सच बोल रहे हैं परवेज भाई? झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। जदू भाई के लिए अलग सी बनती है सब्जी। जदू भाई पीछे था गोभी जदू भाई के लिए। जदू भाई के लिए हमारे स्पेशल जो है गोभी की सब्जी चीकू के पास। और मम्मी जो है बिना कुछ बोले खाना खा रहे हैं। मम्मी मीठा खा रही है, मीठा। ये देखो श्रीखंड, ये देखो पकड़े गए श्रीखंड का बिटिस। मम्मी कम खाया करो थोड़ा मीठा, डायबिटीज हो जाएगा। और पापा कैसा लगा टेस्ट आपको श्रीखंड का टेस्ट? पापा यम्मी 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 यम्मी। ब्लेंड लग गई थी, अब कैसा है? पूरियां खा ली थी ब्लेड वाली गांव में, बहुत ही कड़क बना दी थी। नहीं आज तो है, आज सॉफ्ट पूरी है। आइए सुबह का नाश्ता है हमारा, आज जो है सॉफ्ट पूरी बनाई है। उस दिन जो है सोनू दी थोड़ी हार्ड हो गई थी पूरी, तो क्या है इतनी हार्ड हो गई थी कि जैसे ब्लेड खा रहे हैं। और पापा का जो है गला छिल गया था तो चिल्ला रहे थे सब पे। अब पापा क्या ठीक है गले में? अच्छा हो गया है। चलिए अब हम भी खाना खा लेते हैं और ये सुजान को दिखा देते हैं श्रीखंड। और सुजान का और क्या फेवरेट है? कैरी। सुजान अपने मामा के घर पे है, अभी वेकेशन कर रही है, आराम कर रही है का सोनू दीदी। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम लोग भी खाना खा लेते हैं। जेदू क्या कर रहे हो? जेदू और ये चीकू देखो, चीकू भी खेल रहा है जेदू के साथ। क्या कर रहे?
और सोनू दीदी क्या कर रहे हैं? सोनू दीदी अभी सोच रहे हैं खाने में क्या बनाएं। खाने में क्या पकाएं? बनाया नहीं है कुछ अभी। बनाया नहीं है, हम गए थे। कम नहीं बनावा। क्या है जेतु भाई? कम नहीं बनावा। हाँ, सुधान से पूछ लीजिए आप। सोनू दीदी सुधान से पूछ लीजिए ना। अभी तो रोजा खुल भी हो गया ना, 7:30 हो गए। वीडियो कॉल आया था कि नहीं? उठा नहीं आया। अच्छा, मोटी मानी घर है क्या? तो जन फोन तो आयो तो मन नाचिर बनी नहीं घर है क्या? आज मैं रोजू खोलवान छे ने नो मने फोन आयो तो नाचिर बनी घर है क्या? रोजू खोलवान से। और सोनू दीदी कुछ आप सोचिए क्या खाना बनाना है अभी? क्या है जेतु भाई? रात है दाल भात नू है गंडा। सोनू दीदी एक काम कीजिए, कढ़ी खिचड़ी बना दीजिए। उसके अंदर वो सरक वा डाल के नहीं बनाते? रात को सरक वा नहीं खाते? तो कुछ नॉन वेज कुछ खाना है तो फिर तो फिर पिज्जा खाना है? पानी पूरी खानी है? जेदु भाई को पानी पूरी खानी है। हेल्दी तो मम्मी क्या हेल्दी में क्या खा सकते हैं अभी? वैसे सोनू दीदी बटेटा पोवा का भी आइडिया अच्छा है, बुरा तो नहीं है, पर कुछ रात को तो थोड़ा तीखा खाना हो तो अच्छा रहेगा। मैगी पोवा बटेटा खाना है फाइनल। चलिए पोवा बटेटा। सोनू दीदी चीकू भाई को कुछ खाना वाना देते हो कि नहीं देते हो? चीकू तो जैसा है कि वो गर्मी में कम खाता है। उसको मतलब हाँ, जानवर को पता है कि शाम को कम खाना चाहिए। समझदार है, ख्याल रखता है। क्या लाए हो जेतु भाई? पानी भर के लाए हो? ये देखो सोनू दीदी हम तो बगड़ू तो माना बधु ये तो पानी ढोला है बेटा। हमारे बदे पिचकारी पिचकारी। मम्मी क्या डिसाइड किया वो बताओ। चलो अभी जल्दी यार, कुछ खाने का डिसाइड किया कि नहीं? बटेटा पोवा। जे तू बटेटा पोवा खाओगे ना तो क्या खाओगे? सोनू दीदी आप क्या मैगी लेने जा रहे हैं कि? तो मैगी तो बाहर से ही लानी है ना। ओके चलिए। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग में। अगर हमारा व्लॉग अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें। टाटा बाय बाय, टेक केयर।